नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए नए गाइडलाइन के बारे में। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर चुनाव आयोग तक ने कमर कस ली है। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग की तरफ से एक बड़ा फरमान जारी किया गया है। यह फरमान सिटिंग मुखिया के लिए जारी किया गया है। इस फरमान में यह साफ साफ कहा गया है कि 31 मार्च 2020 तक हुए खर्च का ऑडिट पूरा नहीं करने वाले मुखिया अयोग्य माने जाएंगे। आपको बता दें कि इस बड़े फैसले को लेकर पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पिछले दिनों यह आदेश जारी किया था। विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश में उन्होंने कहा है कि नल जल योजना को जो मुखिया तत्परता से पूर्ण नहीं करवाए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। विभाग ने चेतावनी दी थी कि अयोग्य घोषित करने के प्रस्ताव पर वह काम कर रहा है। इस योजना में लापरवाही बरतने और गड़बड़ी करने वाले मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश जिला को दिया गया है। अब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी कि उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर अयोग्य घोषित कर चुनाव से ठीक पहले विभाग ने एक बड़ा संदेश दिया है। राशि खर्च कर उसका हिसाब नहीं देने वाले और योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले मुखिया बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग काफी सख्त है। आयोग उन उम्मीदवारों पर नजर बनाए हुए है जो पंचायत चुनाव के दौरान रुपये लुटाते हैं यानी कि पैसे बांट कर वोट खरीदते हैं। अब आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा का ब्यौरा जारी कर दिया है जिससे कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 1 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च नहीं कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 101 पन्ने की गाइडलाइन जारी की है जिसमें यह बताया है कि उम्मीदवारों को क्या करना है क्या नहीं करना है। आयोग ने बताया है कि जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 1 लाख रुपए खर्च करने की छूट मिली है। मुखिया और सरपंच उम्मीदवार को 40,000 रुपए तक खर्च करने की बात कही गई है। वहीं पंचायत समिति सदस्य को 30,000 रुपए खर्च करने की बात कही गई है तो ग्राम पंचायत सदस्य को और पंच को 20,000 रुपए खर्च करने की बात। इस तरह से आयोग ने यह भी कहा है कि अगर कोई उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे बैनर का उपयोग करता है तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यानी कि उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इस पंचायत चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के नाम या चुनाव चिन्ह के सहारे वोट मांगने पर भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के नियम के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने यह भी साफ साफ कहा है कि धर्म नस्ल जाति समुदाय या भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा फैलाना भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन माना जाएगा और उम्मीदवार पर आईपीसी की धाराओं में के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पहले से जारी विकास कार्यों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। चुनाव आयोग ने अपने गाइडलाइन में कहा है कि मुखिया इन इन बातों का रखें ध्यान। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। जुलूस के शुरू होने के समय और जगह स्थान मार्ग और किस समय कौन से स्थान पर जुलूस समाप्त होगा यह पहले से तय कर पुलिस अधिकारियों को अग्रिम रूप से अनुमति देनी होगी। इसके बाद जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा वहां पर लागू निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाए और पूरी तरह से उसका अनुपालन किया जाए। साथ ही यातायात नियमों और प्रतिबंधों पर भी अनुपालन किया जाए। जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिए जिससे यातायात में कोई बाधा न उत्पन्न हो। मतदाताओं को जारी पहचान पर्ची जो कि सफेद कागज की होनी चाहिए जिस पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नहीं हो। मतदान के दिन गाड़ी की आवाजाही पर प्रतिबंधों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। तो ये थे निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।